हेलो दोस्तों, आरएस जंक्शन चैनल पर मैं आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरएस प्री 2018 पेपर हो चुका है, तो टाइम है डिस्कस करने का। तो थोड़ा फास्ट डिस्कशन करेंगे इसमें। हम डिटेल डिस्कशन अपने आने वाले वीडियो में करेंगे, जो मैं 2 या 3 दिन बाद बनाऊंगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउटफुल है, तो उनको मैं छोड़ भी रहा हूँ यहाँ पर। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर आपको देने की कोशिश करूँगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, जून 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उनके बीच में यात्रा कहाँ हुई? तो सही आंसर इसका 4, सिंगापुर में ये यात्रा हुई थी। सभी जानते हैं सिंगापुर समिट के दौरान ये यात्रा हुई थी। दूसरा प्रश्न, त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 22वां संस्करण जून 2018 में आयोजित हुआ। इस अभ्यास में भारत के अतिरिक्त तो और कौन से 2 देशों ने हिस्सा लिया? तो इसका भी सही आंसर है जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। हमेशा लेते हैं यही देश हैं जो कि जो ये त्रिपक्षीय अभ्यास है, ये इनके बीच होता है, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। प्रश्न संख्या 3, 7 सामाजिक मानकों के आधार पर अपनी पंचायतों का स्टार रैंकिंग। ये प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं चेक नहीं कर पाया हूँ इसको। तो जब चेक करूँगा उसके बाद मैं आपको कमेंट बॉक्स में जाकर ये बता दूंगा कि क्या सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। महिला सशक्तिकरण द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कन्या वन समृद्धि योजना किस राज्य में चालू की गई? तो ये चालू की गई है महाराष्ट्र में। तो सही आंसर है महाराष्ट्र। इसी तरह जून 2018 में मलेशिया में आयोजित महिला क्रिकेट एशिया कप तो बांग्लादेश ने जीता था, सभी जानते हैं, और हराया था भारतीय महिला टीम को। तो आंसर हो जाएगा 1, भारत, 5वें क्वेश्चन का। मार्च 2018 में राजस्थान में स्थापित प्रथम मेगा फूड पार्क के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया भी इसके बारे में, मेगा फूड पार्क के बारे में, हरसिमरत कौर बादल ने इसका उद्घाटन किया है, ये बिल्कुल सही है, और अजमेर के रूपनगढ़ में स्थित है, ये भी सही है। तो दोनों के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो ए और से आंसर होता है, क्योंकि बे का इनमें ऑप्शन भी नहीं है। तो ए और से बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न संख्या 7, भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कितने गीगावाट बिजली का लक्ष्य रखा है? तो सभी को पता है 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है और 25 गीगावाट का राजस्थान ने रखा है। तो 2022 के अनुसार 100 गीगावाट आंसर सही हो जाएगा। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में महिला रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है सॉल्ट लेक सिटी। 4th आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, या और इसके बाद 6 साल बाद में उन्होंने कोई पदक जीता था विश्व प्रतियोगिता में। नवा प्रश्न है, जस्टिस इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति के बाद भारत में उच्चतम न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या 2 हो गई है, तो दूसरी महिला न्यायाधीश है आर भानुमति। आंसर हो जाएगा 1, जस्टिस आर भानुमति। कोई अगर करेक्शन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसे मैं अपने तरफ से उसे पिन करूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। प्रश्न संख्या 10, हाल में पाकिस्तान का यूसुफ सलीम समाचारों में रहा, तो ये कौन है? तो ये बता देता हूँ मैं आपको, पाकिस्तान के पहले दृष्टिबाधित न्यायाधीश हैं यूसुफ सलीम। तो आंसर हो जाएगा 3। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में एक राज्य की राजधानी को आवास और शहरी मामलों के द्वारा 100वां स्मार्ट सिटी घोषित किया गया, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है जिसे 100वां स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था। मैंने करंट अफेयर्स में भी दिया था आपको ये। 24वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन, 24 जून 2018 को भारत के 4 पैरा तैराकों के एक दल ने 12 घंटे और 26 मिनट के रिकॉर्ड समय में इंग्लिश चैनल को पार किया, उनमें से राजस्थान का कौन सा था? तो सही आंसर है 1, जगदीश चंद्र, जिन्होंने जो राजस्थान के थे और उस टीम में शामिल थे। डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे। राजस्थान के डॉक्टर कृष्णा जांगिड़ को साहित्य अकादमी का राजस्थानी अनुवाद पुरस्कार दिया गया 2017। उन्हें यह पुरस्कार उनकी कौन सी अनुकृति के लिए दिया गया? तो आंसर हो जाएगा गाथा तिस्ता पाररी, ये एक इनकी कृति जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2018 के लिए 23 लेखकों का चयन किया गया है, उनमें से राजस्थानी भाषा के लिए किसको चुना है? तो सही आंसर है सी एल सांखला। तो आप डायरेक्ट दोस्तों बिलीव कर सकते हो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पूरे वेरीफाई किया उसके बाद ये बताए हैं। चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के बारे में कथन है, राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इसका उद्देश्य है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चुनावी आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने 2% मत प्राप्त किए, ये गलत है, इसमें 1% मत वाला कर सकता है। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक रहेंगे, ये सही है, और पात्र राजनीतिक दल को भुगतान उसी दिन किया जाएगा, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ए स तथा द, तो इसमें ए स द देख लीजिए।
सेकंड आंसर जो है ये सही हो जाएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा हाल ही में उपग्रह को ले जाने वाले विश्व के सबसे छोटे सफल रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया है? तो ये जाक्सा है, जो जापान की एजेंसी है उसके द्वारा ये प्रक्षेपण किया गया है। कहीं उन्हें नासा लगाया होगा, नासा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो इसका आंसर है श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। थोड़ा डाउटफुल है लेकिन जहां तक तो मुझे लगता है, क्योंकि दक्षिण भारत में भी श्रेणी व्यवस्था प्रचलित थी। आप कई उदाहरण ऐसे देख सकते हैं जो कि श्रेणी व्यवस्था के मिलते हैं। बाकी तीनों इसमें सही हैं, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग किसने स्थापित किया? तो ये आंसर है सी बलबन, बलबन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। तो 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर है थर्ड। कारण बताता हूँ, क्योंकि जो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो थर्ड इसलिए है क्योंकि शुंग की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी। शुंग उत्तरी भारत का एक राज्य था। सातवाहन पैठन या प्रतिष्ठा ये इसकी राजधानी थी। इसी तरह बात करें सी ऑप्शन की, तो कदम की राजधानी थी वनवासी और चंदेल महोबा क्षेत्र से थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 20 में छोड़ रहा हूँ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ये पूरा आया नहीं है। तो जो प्रश्न है ये है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस तरह से ये प्रश्न हमारा 21वां। तो इस पर डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। सोशल सर्विस लीग एन एम जोशी की, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में सर्विस सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जी के गोखले की, और सेवा समिति एन एच कुंजरू की, ये 1914 में इन्होंने स्थापित की थी। तो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ये श्री राम वाजपेयी की नहीं है, ये गलत है। इन्होंने एक स्काउट एसोसिएशन थी, सोशल स्काउट एसोसिएशन थी, उसका किया था। प्रश्न संख्या 22 में है, क्रांतिकारी जो हार्डिंबम कांड में नहीं थे, तो भगवती चरण बोहरा इस कांड में शामिल नहीं थे। आंसर हो जाएगा हमारा 1, भगवती चरण बोहरा। गांधी इरविन समझौते में मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई? इसका आंसर भी 1 है, तेज बहादुर सप्रू द्वारा ये भूमिका निभाई गई थी। अगला प्रश्न है, वर्करी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है? तो वर्करी संप्रदाय महाराष्ट्र का संप्रदाय है, जो कि पंढरपुर में स्थित है इसकी मुख्य पीठ। अच्छा, इसके बाद में जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। इसमें पूरा आ नहीं रहा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसका सही आंसर है फोर्थ, जो ऑप्शन है इसमें तो सबसे पहले लखनऊ समझौता, उसके बाद में जलियांवाला हत्याकांड, उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, और सबसे अंत में स्वराज दल की स्थापना। तो आंसर हो जाएगा 1342। अपने आंसर में आप देख सकते हैं चौथा जो ऑप्शन है वो इसका सही है। आपके अलग हो सकता है तो इसलिए मैंने क्रम बता दिया आपको। प्रश्न संख्या 26, इसे भी मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे इन दोनों में डाउट है। अगर आपके पास आंसर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसे पिन करता हूँ, और अपने जो कमेंट्स में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सही आंसर है। तो इसका मुझे पता नहीं है अभी तक। इसी तरह नैमित्तिक, ये भी थोड़ा डाउटफुल है तो इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ, आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रश्न संख्या 28, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारे लाल हत्याकांड में सजा मिली थी, तो वह है केसरी सिंह बारहट, चौथा आंसर इसका। निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की? तो इसका भी सही आंसर है 1, चार्ल्स मेटकाफ। सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो यह प्रश्न भी मैं छोड़ रहा हूँ, 30वां प्रश्न, इसके बारे में भी मैं आपको आगे डिटेल दूंगा। कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो डाउटफुल है, तो मैं सही आंसर बनने के बाद ही आपको दे पाऊंगा। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि वो वेरीफाई होता है तो उसके बाद में उसे डाल दूंगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो आंसर है फर्स्ट नगरी माध्यमिका, वहीं से मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है 32वां, जो कि है कुछ सुमेलित करने के लिए दिया है, मंदिर है और उन्हें जिलों से सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि कामेश्वर मंदिर पाली में है, उसके बाद में शीतलेश्वर मंदिर है झालावाड़ में, पीपला माता का मंदिर जोधपुर में है, सोचिया में, और नीलकंठ मंदिर अलवर में है, सभी जानते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक जैन मंदिर है? तो सातवीस देवरी मंदिर एक जैन मंदिर है, क्लियर दे रखा है इसके बारे में। तो सही आंसर 1 हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली का नहीं है? तो बक्सा राम, नंदराम और जमुनादास तीनों अलवर शैली के हैं, जबकि नानक राम जो है ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सही सुमेलित नहीं है? तो पागी सही है, पगफेरो भी सही है, और इसके बाद में
जो कोडम दे है ये भी सही है। केवल बोल भारमली जो है ये यादवेंद्र की नहीं है, ये सत्यप्रकाश की रचना है। प्रश्न संख्या 36, गौरी देवी किस गायन शैली से संबंधित है? तो इसका आंसर है वन, मांड गायकी से संबंधित है गौरी देवी, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। 37वां है देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो इसका आंसर है चौथा उदयपुर, क्योंकि उदयपुर जो रियासत थी वह वृहद राजस्थान में मिली थी ना कि संयुक्त राजस्थान में। तो दूसरा चरण था ये जिसमें प्रतापगढ़ तो इसमें शामिल हुई थी, शाहपुरा और बूंदी पहले से इसमें थी। अगला है 38वां, त्याग भूमि के संपादक, तो इसके संपादक थे हरिभा उपाध्याय, आंसर थ्री। आगे बढ़ते हैं, विजयदान देथा के बारे में अधोलिखित पुस्तकों पर विचार कीजिए। तो इस ऑप्शन को भी मैं छोड़ रहा हूँ, इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 40, सेम टू सेम प्रश्न हमने पहले भी देखा है, और इसी प्रश्न के आधार पर जो यह प्रश्न है इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस प्रश्न में जो दिया गया है, सूची वन को सूची दो से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसमें ये प्रश्न पहले भी पिछले बार के पेपर में आया था, तो उसी को देखते हुए मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा यहाँ पर। तो अल्ब्रुस जो है, माउंट अल्ब्रुस है यहाँ पर रूस में, इसी तरह किलिमंजारो तंजानिया अमेरिका में है, और इसके पश्चात जो है माउंट कुक है, माउंट कुक न्यूजीलैंड में है, और मैकिनले नारी संत दयाबाई शिष्या थी, तो आंसर हो जाएगा लूर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो जहां तक मुझे मिला है, सलहेर चोटी जो है नासिक महाराष्ट्र में है, और ये पूर्वी घाट में नहीं आती है। प्रश्न संख्या 45 में छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46, तो आंसर हो जाएगा गलत है, इंग्लैंड जो कि यूनाइटेड अमेरिका में है, न कि किंगडम में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, सूची वन को सूची दो से सुमेलित कीजिए। तो पहला है कील नहर, तो कील नहर सेकंड ऑप्शन है। सू सू सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ती है, पनामा पनामा जोड़ती है हमारे अटलांटिक प्रशांत महासागर को, और स्वेज नहर भूमध्य सागर व लाल सागर को। तो सही आंसर है इसमें हमारा, आपको भी पता चल गया होगा, थ्री, आंसर थ्री इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो जालौर में सबसे पहले इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड है, जालौर सेकंड, झारोला जयपुर में है, ये हमारी बरवाड़ा पहाड़ियाँ। अगर अलवर की बात करें तो अलवर में भानगढ़ की पहाड़ी, और सीकर में रघुनाथगढ़ की पहाड़ी, क्योंकि सामुदायिक रिजर्व 46, उसके बाद में कंजर्वेशन रिजर्व 76, और उसके पश्चात जो राष्ट्रीय पार्क है वो है 103, और वन्य जीव अभयारण्य 544, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसरो के सहयोग से क्या बनाता है? इसरो के सहयोग से सेल बनाता है, और इसके बारे में भी हाल ही में इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है, तो बाद में डिटेल में बात करेंगे, अभी सोर सेल आप आंसर लिख लीजिए। अगला 52वां प्रश्न है, तो 52वें प्रश्न में वैसे तो आंसर मुझे थोड़ा सा जो डाउट था ये इसमें था कि राजस्थान में प्रधान खनिज रियायत, क्योंकि इसमें 2017 तक इसको संशोधित किया है, लेकिन अभी हमारे पास दया ऑप्शन सभी में, तो आंसर हो जाएगा सेकंड, ये सारे सभी इसमें सही माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित कहाँ गया, प्रश्न संख्या 53 की बात कर रहे थे हम, हाँ तो ये रहा, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करते हैं सिद्धमुख परियोजना जालौर एवं बाड़मेर में, बाद में चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 55, राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत भारत और राजस्थान में, तो सही आंसर है सेकंड, 31.15% और 24.87%। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित राजस्थान में कौन से उद्योग, जस्ता गलन उद्योग तो है ही, जैसे कि जस्ता बहुत होता है, सीमेंट उद्योग भी काफ़ी हैं, संगमरमर उद्योग भी हैं, तो यहाँ डाउट है कि सह का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है या नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो आंसर है ए बी तथा द है, फिर भी हम इसके बारे में फाइनल में एक बार चर्चा कर लेंगे। प्रश्न संख्या 57, पिछली बार का रिपीटेड क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या, आंसर फोर, बीकानेर और नागौर। पचपदरा बाड़मेर रिफाइनरी, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, HPCL और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है, आंसर हो जाएगा सेकंड। 59 पॉलिस्टर और सेलनाइट तीनों है, तो एस है तथा ठीक है, तो बाड़मेर सांचौर आंसर फोर। तो मैं वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी,
ये गलत है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुए थे, बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत है क्योंकि बहुदलीय संरचना थी, अलग अलग दलों का प्रतिनिधित्व था और कई समितियों के माध्यम से कार्य थी, 5 के करीब इसमें समितियां थी। तो आंसर हो जाएगा ए तथा डी सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी जो आयु है अवधारित करने के लिए कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो 15वां संविधान संशोधन इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा सम्मिलित, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं, तो ए बी सी ये तीनों वित्तीय समितियां हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी ए बी सी। काफी डाउटफुल क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाए जाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, आंसर हो जाएगा 4। केंद्र सतर्कता आयोग की स्थापना संतानम समिति के अंतर्गत की गई है, संतानम समिति की रिपोर्ट के बाद इसकी स्थापना की गई थी। जनहित याचिका की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई 1960 में। अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, तो यह प्रश्न काफी घुमाने वाला है। हालांकि दो तीन जगह मैंने रिसोर्सेस में ढूंढा है तो वहां यही लिखा है कि संसद के जो दोनों सदन होते हैं, तो जब चुनाव होते हैं उसके बाद जो प्रथम सत्र की बैठक होती है, प्रथम सत्र जो होता है संयुक्त सत्र होता है, उसके अंतर्गत इसकी बैठक होती है। तो आंसर 4 हो सकता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो मैं फिर भी आपको मोस्ट प्रोबेबल आंसर बता रहा हूँ क्योंकि सारे कन्फ्यूजन करने वाले हैं। अधिवेशन भी हो सकता है, बैठक भी हो सकती है, सत्र भी हो सकता है, तो आरपीएससी किसे मानती है वो देखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 75 में छोड़ रहा हूँ, इसका भी मुझे कुछ अभी आंसर मिला नहीं है, तो मिलते ही मैं आपको बताता हूँ कमेंट बॉक्स में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अंतर्गत यदि कोई विधेयक रात की संसद द्वारा पारित हो जाता है तो अनुसमर्थन के लिए आए तो क्या होगा, तो विधानसभा पारित भी कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, या लेकिन संशोधन को प्रस्तावित में कोई संशोधन नहीं कर सकती है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड, ए बी और सी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम की उद्देशिका में उल्लेख है, तो मैंने पूरी उद्देशिका पढ़ी है और पढ़ने के बाद ही आपको ये बताने वाला हूँ कि इसका सही आंसर क्या है। तो चारों ऑप्शन सही है, सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की संप्रभुता, तो सेकंड आंसर इसमें सही हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं कुछ पुस्तकों के बारे में। कूट क्विट, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ यहाँ पर, जो डिवाइड एंड क्विट है ये ग्रैनवेल ऑस्टिन की बुक है। उसके बाद बात करेंगे हम सॉरी इसका आंसर होगा, ये गलत मैंने बताया आपको, डिवाइड एंड क्विट जो है ये है बुक, चलो इसे छोड़ते हैं, बाद में मैंने आपको अपने नोट्स में भी बता रखा है कि सरपंच पंच और विधायक के खिलाफ संज्ञान लिया जा सकता है लेकिन कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगला जो है ग्राम अध्यक्ष नहीं रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर है इसका सी और डी है, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है राजस्थान की जो लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव, इसे भी मैं छोड़ रहा हूँ, थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही है, तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था इसमें केवल सी ऑप्शन गलत है क्योंकि मानव अधिकार संरक्षण जो है इसके अनुसार एक अध्यक्ष और दो सदस्य, 2006 का जो संशोधन हुआ है उसके बाद एक अध्यक्ष और दो सदस्य का प्रावधान किया गया है, तो सी ऑप्शन जिसमें नहीं है वही सही आंसर है, ए बी और डी। बाकी मैंने आपको बता रखा था मार्च 2000 में क्रियाशील हुआ, पूरा वीडियो डाला है मैंने इसमें, आप देख सकते थे, इसमें पूरी डिटेल है। आगे बढ़ते हैं, उर्जित पटेल कमेटी थी उसने ये बताया था, वर्ष 2016-17 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, इस प्रश्न को भी मैं छोड़ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न संख्या, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 89, और पारित करके राज्यपाल को भेज दिया, तो जो प्रोबेबल आंसर है थर्ड है, जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है वहाँ अधिनियम विधिमान्य नहीं होगा, फिर भी मैं फाइनल करके आपको इसे बता दूंगा। प्रश्न संख्या छोड़ दिया गया है, ठीक है, प्रश्न संख्या 91 इसे भी मैं छोड़ रहा हूँ। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.16 है, 10.16 थी प्रचलित कीमतों पर, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 96, निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो अल्प बचत जो है ये नहीं किया जाता है क्योंकि ये वापस से चुकाना पड़ता है,
जो भी चुकाने वाली चीजें हैं वो पूंजीगत बजट में आती है, जिसमें लोन लिए गए हों, अल्प बचत हो, इस तरह की सारी चीजें जो है वे वापस से भुगतान करनी पड़ती है, इसलिए पूंजीगत बजट में नहीं है। तो दोस्तों इनमें से जो चिकित्सकीय पर्यटन है ये अनुपम बिक्री प्रस्ताव नहीं है। किले, महल, हवेलियाँ, पैलेस ऑन व्हील, ट्रेन, मेले एवं त्यौहार, ये सभी वर्तमान में राजस्थान में अनुपम बिक्री प्रस्ताव के अंतर्गत आते हैं। चिकित्सा पर्यटन अभी हमारे इतना बड़ा नहीं है। 99, निम्न में से कौन सा राज्य आंसर है? स्वरूप सागर झील, जो कि नहीं आती है। में 2 लाख तथा 50% का ऑप्शन सही है, बिल्कुल फोर्थ है, इकोनॉमिक रिव्यू में दिया हुआ है साफ साफ। हाल ही के वर्षों में राजस्थान, तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, राज्य का कर राजस्व जो है वह के मध में सर्वाधिक माना जाता है। निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? दोस्तों पहले सूरतगढ़ थी, लेकिन 25 जुलाई का, जैसा कि मैंने आपको बताया था सभी को, जो 2 इकाई सुपर क्रिटिकल जो छबड़ा का है थर्मल पावर योजना, उसमें चालू होने के बाद में छबड़ा सबसे अधिक विद्युत क्षमता वाला बन गया है। तो किसे कंसिडर करता है आरपीएससी, उस पर डिपेंड करेगा। तो वैसे बुक्स में सूरतगढ़ लिखा है, लेकिन छबड़ा के बारे में मैंने आपको भी बताया था। आप चाहें तो 25-26 के जुलाई जो करंट अफेयर्स है वो देख सकते हैं, मैंने सर्च किया और पाया सेकंड आंसर। टीवी रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणें होती है, सभी जानते हैं नॉर्मल से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अंतरिक्ष तरंगों के द्वारा इसका संचरण किया जाता है। राजस्थान में स्वावलंबन योजना, इसके बारे में भी इकोनॉमिक रिव्यू में, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD द्वारा ये संचालित की जा रही है, जो PPP समर्थित योजना है, बाह्य समर्थित योजना है, उनमें दिया हुआ है। लेते हैं 111वां जो प्रश्न है हमारा, वो है, मैं आपको बता देता हूँ, युग्मों को विचार करना था। पहला था विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो त्रिवेंद्रम में, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु, यह भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र देहरादून में, दोस्तों ये गलत है, जो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है ये है हैदराबाद में। इसी तरह जो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है यह भी हैदराबाद में ही स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, चलो इसमें थोड़ा गलत मुझे लग रहा है, तो इसे छोड़ दीजिए, आप थोड़ा देर बाद में मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। चलो अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉली हर्बल प्रोडक्ट हैज नॉट बीन डेवलप्ड बाई द DRDO? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, ये जो नोकडुरना जो है ये नहीं किया गया है, बाकी ल्यूकोस्किन, एग्जिट और एमटूथ ये सभी किए गए हैं। मशीन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, तो बुलियन एलजेब्रा को माना जाता है। प्रश्न संख्या 114 में छोड़, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा माइक्रो पार्टिकल्स जो होते हैं 10^-7 होते हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित करना है, कुछ तत्वों के नाम दिए हैं और उसके साथ शर्कराएं दी गई हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा, बात करें तो इसमें लैक्टोज जो मिसाइल है वह हमारा था। प्रश्न से ए उदयपुर हो जाएगा आंसर इसमें, एक मिनट। और गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारत शाखाएं फूल है? तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए फूल हैं तो ये शाखाएं हो गई, और तो सभी शाखाएं पत्तियां हैं, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी शाखाएं जो पत्तियां हैं, पत्तियों के घेरे के अंदर सभी शाखाएं आ रही है। उसके बाद में कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, तो ये भी सही है, क्योंकि ये जो पत्तियों वाला गोला है जो हम देख सकते हैं बड़ा वाला, उसमें केवल छोटा भाग ही शाखाओं का है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सभी फूल शाखाएं हैं तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि फूल वाला गोला मिडिल वाला गोला है, जबकि शाखाओं वाला गोला बिल्कुल अंदर वाला है, तो ये जो बचा हुआ भाग है ये भी हो सकता है शाखाएं, तो आंसर हो जाएगा हमारा केवल फर्स्ट तथा सेकेंड। यद्यपि वह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है, तो मांसपेशियां मजबूत है तभी तेज दौड़ता है। और दूसरा ऑप्शन दिया है कि मोटे व्यक्ति सामान्यतः तेज नहीं दौड़ सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है, मोटे व्यक्ति भी तेज दौड़ सकते हैं। तो कथन 1 तथा 2 इसमें अंतर न, दोनों ही कथन इसमें अंतर नहीं है। नहीं, भर्तियों का आधार पूर्व अकादमिक उपलब्धियों को नहीं बनाया जा सकता, तो आंसर केवल 2 हो जाएगा। मजबूत तर्क जो है, तर्क मजबूत यही है कि अगर भर्तियों को बनाएंगे तो विश्वविद्यालय का मूल्यांकन समान नहीं है, किसी में ज्यादा मिलता है किसी में कम मिलता है। 119 हो तो 6+8-3 कितना हो जाएगा?
तो दोस्तों इसमें आप तीनों नंबर्स को पहले जोड़िए, 4 + 5 + 2 कितना हुआ, 11। और जो सेकंड और थर्ड नंबर है उनको सेकंड में से थर्ड नंबर घटाइए, 5 में से 2 गए तो 3, तो 11 3 33, तो पहला ये हो गया। दूसरे में जोड़ेंगे तो 10 + 12 22 और 5 27, और 27 में से यदि हम 12 - 5 7, सॉरी 1 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्ण शब्द जेड, तो इसमें पीछे से हमने अक्षर लिया है, तो पीछे से चौथा दुगना करके, तो यहाँ पर अगर दो, आंसर जो जाएगा सेकंड हो जाएगा QJ ऑब्लिक जी। असंगत चुनिए, तो इसमें आप देख सकते हैं पहले अक्षर के बाद में उल्टा चल रहे हैं, जैसा कि आप देखेंगे STUV, MNOP, ABCD, तो पहला वाला गलत हो जाएगा क्योंकि V WXY होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने WYX दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा 1, असंगत 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या आंसर 10 आ जाएगा दोस्तों, अगर आप सॉल्व करेंगे पूरा इसको कंप्लीट, तो सही आंसर है इसका 10। तीन क्रमागत धनात्मक संख्याओं के गुणनफल को प्रत्येक संख्या से बारी बारी से विभाजित किया जाता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 12। दो मिश्र धातुओं के बारे में, इसका आंसर हो जाएगा 7:5। श्रीमान ए श्रीमान बी से मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पौत्र का रिश्ता है, इनका डिस्कशन बाद में करेंगे। एक निश्चित राशि निश्चित चक्रवर्ती ब्याज दर पर दी जाती है 1 से 2010 तक, जो अगर वृद्धि दर को बराबर कर दे तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड।